अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं मानव मस्तिष्क, इस मस्तिष्क का बात करते हैं। आप देख रहे होंगे कि मस्तिष्क को जब आप छू के देखते हैं तो ये पूरा कठोर है, ठीक है। देखिए हम कैप उतार लेते हैं, ठीक है, ये पूरा कठोर भाग है, ठीक है, ये कठोर भाग है पूरा, ये बोन है, हड्डी है, ठीक है, ये एक ढांचा है। उस पूरे ढांचा को हम लोग बोलते हैं कपाल यानी खोपड़ी, ठीक है, ये पूरे ढांचा को हम लोग खोपड़ी बोलते हैं, और इसी खोपड़ी के अंदर जो है वो मस्तिष्क स्थित है, ठीक है। यानी कि हमारे मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है ये स्कूल, ठीक है। अगर क्योंकि ये भाग जो आप देख रहे हैं ये अंदर वाला पूरा मस्तिष्क, ये भाग बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल होता है, चोट लगने से ये दिक्कत में हम लोग आ सकते हैं, मृत्यु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग जानेंगे मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, आगे का मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, बीच का मस्तिष्क, और तीसरा आपका पश्चिम मस्तिष्क, पीछे का मस्तिष्क, ठीक है। हम एक एक करके डिफाइन करते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या है? तो बोलता है अग्र मस्तिष्क का कार्य है सोचना, नया नया क्रिएटिविटी को करना, ये अग्र मस्तिष्क का कार्य है। जैसे सोच रहे हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, ये सॉल्यूशन, दो और दो चार होता है, लेकिन दो और तीन कितना होगा, ये सोचना, ये सोचने का कार्य जो करता है, क्रिएटिंग करने का कार्य जो करता है वो अग्र मस्तिष्क करता है। भूख लगना, ये सारे काम को जो है याद रखता है, तो कौन? अग्र मस्तिष्क आपको याद दिलाता है कि अब आपको भूख लग गया है, समझ रहे हैं ना, अब आपको खाना चाहिए, आपका पेट भर गया है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब सिंपल भाषा में अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि अग्र मस्तिष्क का कार्य का वर्णन करें, तो सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं अग्र मस्तिष्क का कार्य है सोचना, क्रिएटिंग करना, नए नए चीजों का सोच कर आविष्कार करना, नए नए शब्दों के बारे में जानने का इच्छुक, ये जताता है आपका अग्र मस्तिष्क। किसी लेसन को याद रखने का कार्य करता है ये अग्र मस्तिष्क, ताकि याद रखिएगा तभी तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क जो है अनैच्छिक क्रिया, ठीक है, जैसे भी हम आपको समझा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे अनैच्छिक क्रिया हो रहे हैं, कभी मैं गर्दन ऐसे हिला दे रहा हूं, कभी ऐसे हिला दे रहा हूं, कुछ भी हाथ को ऐसे कर दे रहा हूं, ये बिना सोचे समझे हम लोग अनैच्छिक क्रियाएं कर रहे हैं। तो इस टाइप का क्रिया है जो बिना सोचे समझे किया जाता है, अपने आप हो रहा है, वो सारे क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। सिर हिलना, गर्दन हिलना, ठीक है, अभी बात आपको हम समझाने क्रम में कई बार हाथ को उठाएं, कई बार हाथ घुमाएं, तो क्या हम सोच के कि ऐसे हाथ को करना था, ऐसे करना था? बिल्कुल नहीं, ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं कर रहे हैं, इस टाइप का क्रिया को नियंत्रण करने का कार्य करता है मध्य मस्तिष्क। अब हम अगर बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क, तो पश्चिम मस्तिष्क को, ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क था आगे का भाग, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में क्या क्या बांटा गया है आपको बता देते हैं, ठीक है। पहला भाग है इसका अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? शरीर को संतुलन बनाए रखने का, ठीक है, आप चल रहे हैं अपने संतुलन के अनुसार से, आप चल रहे हैं ना, तो वो संतुलन एक बनाए रखा है, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पे है, इसको हम उठा रहे हैं कि आराम से उठाना चाहिए, इसको आराम से ये चीज को रखना चाहिए, उठाना चाहिए, हमें आराम से बायां की ओर से चलना चाहिए, दाहिने की ओर से नहीं चलना चाहिए, ठीक है, कि दाहिने से चलना चाहिए, हमें हमेशा लेफ्ट से चलना चाहिए, ये सारी बातें आराम से, मतलब बॉडी का संतुलन कि भैया तुम ठीक ठाक चल रहे हो, ये सारा कार्य को कौन नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क, ठीक है। जब आप शराब पीते हो, ठीक हो, जब आप शराब पी लेते हो, तो शराब पीने के बाद आपके शरीर में जो है, आपके शरीर में जब आप शराब पीते हो ना, तो आपके शरीर में डोपामाइन हार्मोन सर्वित होता है, डोपामाइन
हार्मोन सर्वित होता है और ये क्या करता है, अनुमस्तिष्क को जो है वो क्षतिग्रस्त करता है। जब ये अनुमस्तिष्क को क्षतिग्रस्त करता है तो बेचारा संतुलन बनाए रखने का कार्य क्षमता खो देता है, और जब ये संतुलन बनाए का कार्य क्षमता खो देता है तब जब आप चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप तो नियंत्रण में, अरे भैया तू गलत चल रहा है सीधा चल, तो ये सीधा शरीर होता है। फिर जब शरीर इधर होता है, अरे रुक 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 तुम गलत चल रहा है तुम इधर से चल, तो ये इधर से चलता है। अरे बॉडी को नियंत्रण करने वाला व्यक्ति बेचारा, मान लीजिए कि गेट पे नियंत्रण करने के लिए गार्ड को रखा जाता है, गार्ड बेचारा पी के सो जाए, एक उदाहरण दे रहे हैं जस्ट लाइक, ठीक है पी के सो जाता है, नींद गहरा मार रहा है, ठीक है। अब जब वो सो गया है गार्ड, तो कोई भी व्यक्ति क्या है आसानी से अंदर चला जाएगा, ठीक है, जिसको जिधर मन उधर चला जाएगा। हमारे शरीर का गार्ड, हमारे शरीर को बैलेंस करके रखने वाला ये गार्ड जो है अनुमस्तिष्क है, जब आप शराब पीते हैं तो डोपामाइन हार्मोन सर्वित होता है जिसको क्षतिग्रस्त कर देता है, तो हमारा बॉडी जो है वो सिंपल भाषा में कह सकते हैं अनबैलेंस हो जाता है। इसीलिए शराब पिया हुआ व्यक्ति जब किसी का हाथ को पकड़ता है ना, तो बोलता है अरे पागल कहीं के, तुम जिस हाथ को पकड़ा बहुत धीरे पकड़ा है, उसको जोर से पकड़। लेकिन आप देखिएगा को आपको पहले ही से जोर से पकड़ ले, लेकिन उस व्यक्ति को लग रहा है को आपको पकड़ भी नहीं किया, बहुत आराम लग रहा है, ठीक है उसको। अगर वो दरवाजा को धक्का दे रहा है तो उस व्यक्ति को लग रहा है कि दरवाजा को छू रहा है, ठीक है, जबकि दरवाजा को बहुत जोर से पुश करता है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस करने का उसको पता नहीं है। पैर को उठाना, कलम ऐसे उठा रहा है वो व्यक्ति, उसको लग रहा है कि पैर को उठाने के एकदम जोर से इसको पकड़ के उठाएगा, खाना खाएगा, तो अब खाना खाते समय उसको देखिएगा कि इस तरह ऐसे से मनाएगा पूरा, ऐसे उठा के खाएगा, लगेगा कि जैसे कि उस भोजन को पकड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज क्रिएटिविटी होता है शराब पीने से। शराब पीने के बाद हमारे अंदर जो हार्मोन डोपामाइन हार्मोन जो सर्वित होता है, जिसके वजह से हम लोग पीते चले जाते हैं, हम लोगों के लिए कुछ देर के लिए हम लोगों अपने आप को भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं, क्योंकि बॉडी को नियंत्रण करने का कार्य धीरे धीरे क्षमता खोने लगती है ब्रेन, ठीक है, तांत्रिक कोशिकाएं जो है वो कार्य नहीं कर पाते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अपने कार्य क्षमता सारा खो देते हैं और हमें अच्छा लगने लगता है। जब कार्य क्षमता आप खो दीजिएगा तो आपको अच्छा नहीं, हर बात को आप भूलने लगिए, ठीक है, भी होने लगेगा तो कार्य क्षमता खो ही जाएगा। फिर बोलता है आगे, ठीक है, आगे बात करते हैं मेडुला। मेडुला का काम क्या है, रक्तचाप। हमारे शरीर में आप जानते हैं कि हार्ट बीट हमेशा धड़कते रहता है, ठीक है, आपका पल्स हमेशा चलते रहता है, आप यहां छू के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबका कंट्रोल करने का काम, नियंत्रण करने का कार्य है किसके पक्ष में है, तो मेडुला कार्य करता है। ये मेडुला, ये सारे यहां आप देख सकते हैं फिगर में, इसी में है पोन्स। पोन्स क्या है, श्वसन संबंधित कार्य को, सांस जो हम लोग लेते हैं, ये सारे कार्य को नियंत्रण करने का कार्य करता है पोन्स। अब इसी में एक चीज और आप देख रहे होंगे, हाइपोथैलेमस, ये पीयूष ग्रंथि जहां पे सर्वित होता है मध्य मस्तिष्क में। इसका कार्य क्या है, शरीर में नींद को आना, ठीक है, भूख लगना, शरीर का टेम्परेचर, बुखार आना, टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है, टेम्परेचर केंद्र, ये पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य यही करता है। प्रजनन से संबंधित हर कार्य को नियंत्रण करने का कार्य ये करता है। ये बहुत छोटा पार्ट है यहाँ पे, बहुत सा छोटा, मध्य मस्तिष्क में इसका बहुत छोटा है, ठीक है। इसी की वजह से हम लोगों को गुस्सा जब ये बढ़ जाता है तो हम लोगों के शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, एट क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कहने का मतलब है कि एक सिंपल सा, अगर नया नया बाइक आपको मिला हो, ठीक है, बाइक मिला हो तो आप क्या करते हैं, बाइक के अगर शुरू बार सीखे तो आप बहुत उग्र हैं सीखने के लिए, इच्छुक हैं, और जब आपको मौका मिल जाता है सीख जाते हैं तो एस्केलेटर एकदम देके सीधे 80-90 की स्पीड में आप चलाते हैं। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है आपका हाइपोथैलेमस, क्योंकि वो उत्तेजित होता है, उत्तेजित करता है शरीर को, उत्तेजना देने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस, यानी कि शरीर को पूरा नियंत्रित रूप से नियंत्रण करता है आपका, टेम्परेचर से हर कुछ से नियंत्रण करने का,
और ये कब होता है ऐसा लोगों का कहना है कि ये तब अधिक बढ़ जाता है जब हम लोग शरीर में अनाप शनाप भोजन करते हैं। जैसे आज के डेट में लोग ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा करते हैं, फास्ट फूड बहुत ज्यादा लोग सेवन करते हैं, जिसके कारण हाइपोथैलेमस जो है सभी के बढ़ जाता है। और हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है तो जिसके वजह से वो जो है अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, अगर उनको कोई कुछ कह दे तो तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, तुरंत में कुछ ना कुछ वो बोल देंगे, मतलब कह सकते हैं कि अपने बस में नहीं है। आज इसी के वजह से जो है ना, इसी हाइपोथैलेमस के वजह से जहां पे आपका बहुत सारे बच्ची या बच्चे में हार्मोन्स की भी समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं मतलब सिंपल भाषा में ना कि अगर जो हम लोग भोजन कर रहे हैं, जिस भोजन को कर रहे हैं आज के डेट में, कभी चौमिन खा लिया, कभी चाट खा लिया, कभी पकौड़ा खा लिया, ना जाने जो मिले वो खा लिया, इससे हमारा शरीर में जो है से विकास नहीं होगा, सही ढंग से हार्मोन संवित नहीं होगा, सही ढंग से हमारे शरीर के कोशिकाएं कार्य नहीं करेगी, समझ रहे हैं ना। तो जब इस स्टेप पर कार्य नहीं होगा तो आपके शरीर आउट ऑफ कंट्रोल, आप शरीर को अपने बस में नहीं रखिएगा बल्कि आप खुद शरीर के बस में हो जाइएगा। ब्रेन को आपको अपने बस में रखना था लेकिन आप ब्रेन के बस में चले जाते हैं और उसके इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। तो हमें ब्रेन को अपने बस में रखना चाहिए था, इसके लिए हमें सदा भोजन खाना चाहिए। सदा भोजन खाने का मतलब, मेरा कहने के मीन्स है कि किशोरावस्था में आपको किस टाइप का भोजन खाना चाहिए, दाल भात सब्जी ग्रीन सब्जी भुंजिया, यही सब खाना आपको खाना है, और वो भी एकदम बोल सकते हैं कि एक बैलेंस डाइट के रूप में। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक चावल खा लें, बहुत अधिक दाल पी लें, बहुत अधिक दूध पी लें, नहीं, एक नॉर्मल एकदम सारे चीज बैलेंस डाइट के रूप में अगर आप लीजिएगा तो आपका ब्रेन भी शांत रहेगा और अच्छा कार्य करेगा, आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ते चला जाएगा, आप बहुत अच्छे से कार्य को अंजाम दे सकते हैं केवल आप अच्छे भोजन खाकर, ठीक है। तो आप एकदम अगर आप समझ रहे होंगे तो आप ठान लीजिए कि आपको सदा जीवन कैसे जीना है, क्योंकि पहले के ऋषि संत जो थे ना, जो अपने आप को कंट्रोल में करके रखते थे अपने आप को, तो ऋषि लोग सदा इसलिए मांस मछली या फिर लहसुन प्याज वो लोग नहीं खाते थे, ताकि वो अपने ब्रेन को जो है कंट्रोल में रख सके। सदा भोजन खाएंगे तो सदा उसका ब्रेन रहेगा, ये हाइपोथैलेमस डीएक्टिव नहीं होगा और ना ही उसे किसी तरह के हानि होगा, और अपने आप को ब्रेन को अपने वश में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था ब्रेन के बारे में, ठीक है, हम लोग इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।